गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी एक अमोलक लिखत सिरलेख है, मोहरां दे कोले ते सूली दी सूल। जरा तको ना कईयां कालियां कटा चढ़ाइयां हन, नीले नीले आकाश ते उमड़ आ रहे बदल के सुहावने लग रहे हन। हवा भी ठंडी झुल पई है जिसने सारी तपत पी ली है। आई जी हुण बरसात आई खंगूरा भर के, पातशाह चुमासा चल रहा है। इस रुते तां नहीं फिरीदा टुरीदा, किते टिकाणा करके बह जाईदा है। पेंडे दी थकौट बहुत पैंदी है, जी हुसदा है। थां थां दे पानी किते कच्चे किते मैले, किते थवे ते किते बेथवे छेती छेती वटांदिया बंदा निरोवा भी नहीं रहिंदा। उंज भी रुत कच्ची पक्की हो जांदी है। कदे रातां नूं त्रेल, कदे मीह, कदे सोका, हुसड़, चीओ वट, कदे ठंडी निकी हवा, कदे गड़गच ते बुले। सब सलूंगड़े हुनाले बथेरे, पर अजकल तां हनेर आया होया ने। तपालियां सपालियां दे भी एहो दिन हुंदे हन। जियो लख सै वरिया मेरे सोहणे सुल्तान जी, पर तको ना आराम ते टिकाओ दे दिन हन। आओ किते ठहर जाइए, डेरा करिए। ए चुमासे दे दिहाड़े थो थिता ला के एक जगह बैठ के साईं दे गुण गावीए। तुसानू तां अपनी कोई परवाह नहीं, पर प्यार वालियां तो सह घट हुंदा है। नाल मैं छेती अकलाउंदा हां, मेरे कहानी 4 दिन टिक चलो किधरे। ए प्यार दी आप दे शरीर नाल दिली मरमी ते दर्द भरी हुब दी गलबात सुन के रोगियां नू अरोग करन वाले श्री गुरु नानक देव जी बोले, मर्दानिया सच प्याना है। ठीक है चुमासे दी रुत इवें ही होंदी है, पर सजना वेख चाकरियां जिना सिर चाइयां उन्हां नू इस रुते भी आराम किथे। हलकारे चिट्ठियां सुने हां लै के, देख अजकल भी भजे फिरदे हन। ओ वेख साडे कोल दी इक लंघ के गया है, किवें भजा जांदा है। साहिब दी चाकरी गाखड़ी है, ज्यों तोरे तुरना ज्यों परेरे करना, मालक किसे कम लई पिया लई जांदा है। मर्दाना सुहाण तेरी चाकरी नू, सुहाण तेरे साहिब नू, सुहाण तुद्दे नू हस के, ते रुवाल को सुहाण तेरे ढाडी नू भी। पातशाह तेरे तन ताण है अरशां दा, पर मेरे तन निताणापन है कच्चे शीर दा, जो मैं लोकां नालों बहुता पीता है। मेरे कान ही ठहर जाओ, मेरा जी इस रुत्ते टुरनों हुसदा है। मेरी खातरी किते 4 दिन सस्ता जाओ। गुरु जी मर्दाने दे इस प्यार नू समझदे सन। जदों गुरु जी अपने ते श्रम लैंदे सन तां मर्दाना अपने थकान जां भुख जां किसे होर लोड़ दी शर्म करके चुप नहीं सी हुंदा, सगों बोल के ते दस दस के ते अपनी खातर वास्ते पा पा के उन्हां नू आराम विच टिका लैंदा सी। बसंत रुत ते तुरे होए गुरु जी किते डेरा पा के नहीं रहे सन, किते 2 किते 4 दिन ठहर दे सतनाम दा उपदेश देन दे अगे ही अगे जा रहे सन। ते हुण बरसात लग रही सी, 3-4 महीने कट के गर्मी दा सफर कीता। उपदेश दिते ते मोए जिवाले, जी दान दे दे के। हुण मर्दाना चाहुंदा सी कि मेरे सोहणे मालक जी 4 दिन आराम करन। सतगुरु जी उस दे प्यार नू सत्कार देण लई बोले, भला मर्दानिया जिथे हुण कोई नगरी आउंदी है चुमासे दे दिन अटक जावांगे। साईं दिया मेहरां नाल इक उचेरा थल सुहावना टिकाणा चंगा गिराउं आ गया, जिस तों बाहर वार इक कोस दी विथ ते
एक आसरा वेख के सतगुरां ने टिकाणा कर दिता। मर्दाना खुश हो गया कि नित दे पेंडे मुके, चाहे चुमासे ले ही सही, मेरा मालक मेरा प्यारा 10 दिन वेले सिर समेगा, वेले सिर अन पाएगा, सुखी होएगा। उस पिंड विच वसों चंगी सी, मानो छोटा जिहा कस्बा सी। एक चंगा सरदे पुजदे वाला खत्री रहिंदा सी, जो परमारथ दी लगन वाला सी। आए गए साधु संत दे दर्शन करदा, सरे तां पूजा सेवा भी करदा। उस सुनिया जो बाहर कुटिया विच कोई आउतरे हन, जो डाढ़े ही प्यारे लगदे हन। कीर्तन हुंदा है कि चलदे दरिया अटक जांदे हन, तां ओह खत्री दर्शन करन आया। कीर्तन हो रहा सी, सतगुरु जी अपने इलाही रंगां विच जुड़े बैठे सन। मिठी मिठी हवा वग रही सी, ओह भी मत्था टेक के बह गया। बैठदे दे नैण रंग पर आए, छप्पर भारे ओ टैठे, रंग लगे नैण बंद हो गए। अंदर नूं मुड़े ते आपे दे स्वाद विच जुड़े, पता नहीं रहा कि समा किथे लंघ गया है। जां नैण खुले तां वेखे कि किनिया ही घड़ियां बीत चुकियां हन। हां, खत्री नूं सोझी आई कि इह साईं दा कीर्तन है, जो काल नूं भी जित लैंदा है। काल दा ज्ञान जिस दी तासीर अगे लोप हो जांदा है। हां, ऐसा कीर्तन कदे नहीं सुनिया सी कि जो काल दे वेग नूं बेमलूमा कर देवे। ऐसे दर्शन कदी नहीं पाए सन कि मन मोर वांगू पहला पाउंदा पिया परिक्रमा करदा है, दूर ही नहीं होना चाहुंदा। एवं मोहित होया खत्री, कम्मा काजां दियां खिचां दे कारण कुछ चिर मगरों घर नूं मुड़िया। फिर आवे, खीवा होवे, रस माणे ते दिनों दिन खिच वधे सो। आवे, सेवा करे, सुख पावे, ता एक दिन इतनी खिच वधी कि चित नाल नेम कीतोस कि निता प्रत दर्शन लई आउणा है ते नागा कदे नहीं पाउणा। ते जिस दिन नागा पै जावे, जल पानी कुछ भी अंगीकार नहीं करना। निता प्रति आवे खत्री सत्संग करण, दर्शन दा लाहा लैण, सेवा करण। कदे अमृत वेले कीर्तन सुने, कदे संजा नू सोदर दा कीर्तन सुने। हां, प्रेमी होया अन्न पानी दी सेवा भी करे, डेरे झाड़ू पानी दा भी फिक्र करे। उस दे रस्ते विच एक हटवाणीए दी हट्टी सी, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੇ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਈ ਜੀਵਨ, ਤੇਰੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੈਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣ ਜੀਓ, ਬਾਰ ਕੁਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਂ ਜੋਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਆਏ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਅਟਵਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਮ ਜਮ ਕਰੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਟਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਰੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਉਸ ਮੰਦੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹਟਵਾਣੀਏ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰੀ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੋ ਸੇ।
दर्शन करके ठंड ता पई, पर जो कंडा अंदर विकार दा चुभ रहा सी, उस दे मन नू टिकण ना दिता। खत्री ता सेवा करदा रहा, पर ओ हटवाणिया मन विच पुड़े कंडे दे कारण कदे दुखी, कदे दर्शन करके कुछ मोड़ा खांदा दुचिताई विच रहा। कुछ समा गुरु जी पास बैठ के दोवें मुड़ आए। हुण ए कार बजी कि उस अटवाणिए ने उस मंदी वस्ती वे जाण दी बाण पा ली। सोदर दे समय दोवें गिराव तो इकट्ठे आवण, जिथों सड़कां वख होंदियां सन, उथों खतरी ता सत्संग दे दर वल तुर पवे ते हटवाणिया कुसंग दे वल तुर पवे। खतरी ने अपनी वलों कई वेर समझाया कि तू मेरे नाल तुरिया सै सत्संग वास्ते, ते तुर जाना है कुसंग नू, ए भली बाण नहीं है। इस ते जित पाओ, तकड़ा हो, आपे ते विजयमान हो के भले पासे लग। पर उस दे विचले हुए मन उते कोई गल पोही ना। खतरी नू हुण प्रेम ऐसा लगा कि कदे कदे रात सोदर दा कीर्तन सुन के भी उथे ही रहे, प्रसाद उस दे घरों उथे अपड़ जावे, सोयले दा पाठ सुन के थोड़ा आराम करे, अमृत वेले कीर्तन सुन के घर मुड़े, रंग लगदा गया ते नाम दा रस अंदर वसदा गया। एक दिन दोहां दी रस्ते जांदियां फिर वार्ता छिड़ पई। खत्री उसनू सत्संग दे भले मार्ग दा उपदेश करे, पर वो अटवाणिया कुसंग दे छिन पंगर रसां दी, पानी उते पतासे जिन्ने चिर विच नाश हो जाण वाले स्वादां दी वड्याई करे। छेकर हटवाणिए ने हस के आख्या, भाई लै खां अज परतावा करिए, तू चलिया है सत्संग नू ते मैं चलिया हां कुसंग नू। आ थां है जिथे सड़कां निखड़ दियां हन, ओ सामणे वड्डा बिरछे पिपल दा, अज साडे विचों जेड़ा पहले आवे इस बिरछेड़ दूसरे दी उडीक करे, क्यों जो असी आमदे तां इकट्ठे हां पर परत दे अगड़ पिछड़ हां। अज असी इत्थे कट्ठे हो के आपो विच विचार करांगे कि तू की लाहा लैके आउंदा है ते मैं की लाहा लैके आउंदा हां। फिर असी निर्णा करांगे कि केड़ा कम चंगा करदा है, केड़ा राह गुण वाला है ते केड़ा औगुण वाला। खत्री ने हरियान होके आख्या, भला होवे इवें सही, पर मैनू तां ए संसा काई नहीं कि मेरे राह विच कोई तोटा है, मेरे राह विच तां लाहा ही लाहा है। ए वी सहसा मैनू कोई नहीं कि तेरा मारक खोटा है, उस राहे जद कद है तां तोटा है, लाहा कदे नहीं। तोटा है शरीर दा, अबरो इज्जत दा, तोटा धन दा, तोटा मन दा। हटवाणी आख्या, चलो जिवें समझो उवें सही, पर अज परतावा करन विच तेरा की विचलदा है, घड़ी दो घड़ी दी उडीक ही है ना। इउं मता पका के दोवें विछड़ गए। सिख तां गुरु दे दरबार पहुंचा। अगे कीर्तन हो रहा सी, कन्नी आवाज पई साईं जी दी सिफत सलाह दी, मन हिलिया, उच्चा होया, अंदरले रस दा स्वाद आया, टिक के बह गया। उधर हटवाणिया जा अपने मन नू चंगे लगन वाले थां पहुंचा, तां उस दे भागा नू घर सुंजा पिया सी। जिस नू ओ मिलन गया सी, सो मंदा शरीर किसे होरस ग्राम नू वांडे टुर चुका सी। सो निराश होके इधर उधर फिरिया, ओड़क पिछे परत पे। जिस टिकाने उसने अपने साथी नू मिलन दा नेम बंधा सी, उस टिकाने आ पहुंचा, मित्र नू उडीकण बह गया। उडीक लमेरी हो गई, क्यों जो ए छेती परत आया सी। सो बैठा सोची पै गया, सोचा विच पिया, इकला आदमी कई वेर धरती खुनण लग पैंदा है। सो ए भी वैणी डुब्बा लगा धरती खोतरण, खोतरद्या खोतरद्या इसनू एक मोहर लब्भी। मोहर तक के बनिया बिरती वाला मन बड़ा खुश होया। त
तद लक नालों छुरी खोल होर तरती खुनण लगा जो मता होर मोरा लबण। इन्ने नूं इक मिट्टी दे दबे होए भांडे दा मूंह छुरी नाल ठहकिया। फिर तां हट्टी वान लगा जोर नाल चुफेरियों पुटण। पुटदा गया उडीक दा समा बेमलूम लंघदा गया। एक मोहर दे लब पैण अते भांडे दे दिस पैण ने उसनूं कम विच लाई रख्या। जद खोज चुका तद की देखे कि एक पांडा है जां मूंह तों ढक्कण उखेड़िया तां की देखे जो विच कोले हन जां सारा फोलिया तां हेठां तक कोले ही कोले निकले। हुण ओ गुरु दा सिख भी आ निकलिया पर लंगड़ाउंदा लंगड़ाउंदा आवे। एक जुत्ती तां पई होई ते दूसरी दी अड्डी भनी होई। किसर किसर के पैरां नाल तुरे। ए आउंदा तक के अटवाणी ने आख्या भाई जीवनी जुत्ती चाड़ लै। ठिब्बी करके टुरदिया खेचल आउंदी हो। उस सिख ने तद आख्या सजना अज जां मैं गुरु दे घरों बाहर आया तां दरवाजे तो निकलदियां सार जुत्ती तक अपनन तो पहला कंडा चुभ गया। सो कंडा खिच के कढ़िया पर कुछ विच रह गया है तां कारण मैं पैर नूं लीर बद्दी है ते जुत्ती ठिब्बी करके टुरिया आउंदा हां। हटवाणिया अच्छा भाई तां फिर आ रता बह जा साह कढ लै कुछ गलबात भी करिए फिर टुरांगे। जां बह गए तां गलबात छिड़ी। हटवाणी ने आख्या वेख भाई जी अज मैं पाई मोहर ते तैनू चुभिया कंडा। ए बात पुछी चाहिए जो तू जावे सेवा करण ते मैं जावा पाप कमावण। सिख भाई जिवें होया सो होया सत्संग चंगा है सेवा करनी सोहनी गल है ते पापां दा मार्ग सदा खोटा है। हटवाणिया नहीं भाई जां तां तू कारण दस नहीं तां तेरे गुरु पास चलदे हां जो इस गल दा की वेरवा है। तां दोवें मुड़ पए ते आ पैरी पए। सतगुरु जी देख के मुस्कराए ते मर्दाना भी इस मुस्कुराहट नूं वेख के होशियार हो बैठा कि इतने नूं हटवाणीए ने नैण नीवे करके हाथ जोड़े सचो सची अपनी पाप दी विथिया कह सुनाई ते जो दोहां ने नेम कीता सी सो भी आख सुनाया ते पुछना कीती कि हे पातशाह इसका कारण असानूं दसो जो पाप नूं फल मुहर लगा है ते सेवा नूं फल कंडा चुभिया है। सतगुरु जी बोले चुप कर रहो ते बोलो काई नहीं। हटवाणिया जिवें पातशाह आपनू पावे पर असी मूर्ख हाँ साड़ी समझ नहीं पाउंदी। किरपा करके भेद खोल दे हो जो पाप नू फल क्यों चंगा लगा है। तद दयाल सतगुर ने अपना पवित्र हाथ उस माड़े कर्मा वाले दे सिर नू छुआया। हाँ सोना सुच्चा हाथ मैल परे सिर नूं लाया हथ धर दे मेहर दे घर विच आ गए ते बोले भोलिया तेरे पाप नूं इक मोहर दा फल नहीं लगा। तेरे पापां दी हनेरी ने तेरियां मोहरां दा ब्रिछ हलूण कत्या सब चढ़ पईयां तेरे जोगी इको रह गई। कोलियां दा मटका मोहरां दा मटका है सी किसे रब जी दे प्यारे नूं तू इक मोहर दित्ती है सी। ओ परम पद दे भीखक नूं दित्ती इक मोहर सहसर गुणा हो फली सी। पर ज्यों ज्यों तू पाप कमाए ओ पुन्ना दियां फलियां मोहरां सड़दियां गईयां। हां जान लै के तेरे पापा ने तेरे कठे कीते शुभ कर्मां ते उन्हां दे फल नूं साड़ सटिया। केवल इक रह गया जो तैनू इथे ले आया है। सो तू समझ लै कि इक मोर तेनू ए मत देंदी है कि तेरे पापा ने मैं वर्गियां तेरे भागां विचों अनेकां दूर कीतियां हन। बीजिया हरिया होण दी थां कुसंग ने साड़ कत्या कोले कर दिते। इस काली पुरख दी सेवा ते सत्संग ने हरि कीर्तन सुनन ते करन ने इस दे पाप नाश कीते हन। इस दे पिछले कर्म है सन ऐसे
कि उन्हां दा फल सूली है सी, ज्यों ज्यों ए सेवा नू आया, ज्यों ज्यों इस दे अंदर रब जी दे जस नाल वैराग ते उमा आया, ज्यों ज्यों इसने उसका नाम लै के उसनू याद किया, वह खोटे कर्म नाश होने लगे, कटते कटते सूली दी सूल रह गई, जो सुई वांगू चुप के महान दुख तो छुड़ा गई। दूजी विचार की गल ए है कि भाई ज्यों ज्यों तू विषय विच वरत्या है, तेरिया वाशना होर खोटियां होंदिया गई हैं, तेरी रुचि माड़े पासे वाल होर वध। ज्यों ज्यों इस काली ने सत्संग किया है, इस दिया वाशना शुभ ते पवित्र होंदिया गई हैं, इस दी रुचि भले वल, सेवा वल, सत्संग वल वध गई है, इस तरह अगों लई इस दे अंदर होने वाले कर्मा की सेध शुद्ध बज गई है। ये सुन के हटवाणीए दे दिल गल पुड़ गई, कंबिया। वो जो दाते दा हाथ छोया सी, वो अग दी चिंगारी सी, पापां दे मड़ियां दे खड़े ढेर नू अग लाउण ले। जां पाप सड़े तां मत तो मैल दा बोझ उतरिया। वो जो दाते दा हाथ छोया सी, वो अग दी चिंगारी सी, पापां दे मड़ियां दे खड़े ढेर नू अग लाउण ले। जां पाप सड़े तां मत तो मैल ते बोझा उतरिया, चरनी ठठा आखण लगा मेहर करो ते हुण शुद्ध मार्ग पाओ, भले कर्म सिखाओ ते माड़ियां दे राहों वर्ज लो, अपने ताण नाल रहा लो, असां विच जोर आसंग काई नहीं है। तद गुरु मेहरबान होया, इलाही गले तो धुन उठी, मरदाने रबाब छेड़िया, ते सतगुरु जी दे मुखार बिन तो मारू दी वैराग भरी सुर छिड़ी। करणी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तव गुण नाई अंत हरे, चित चित सकी नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाई तेती, रस रस चोक चुगे नितफासे, छूट समूड़े कवन गुणी, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जले आसनी चिंत पई, पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तिने हा, एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक त्रिष्टस देया। दैवी आवाज मन विच पुड़ जान वाले शब्द दे अर्थ दोहां ते कहर दा असर कर गए, हटवाणीए दे मन दा थर टुट गया, मन द्रव गया, सोजी आ गई कि असी कर्म करन वाले जीव हां, मन ते बुद्धि होण करके असी समझदे हां कि असी जो कुछ करदे हां उह दो प्रकार दा है, भला ते बुरा। ये जो कुछ करदे हां इस नाल रुचि बनदी है, रुच पक पक के सुभाव बनदा है, इस साड़ी किरत करनी दा फल सानू फेर अंदरों भले बुरे वल टोरदा है। माड़े कर्मां विच जो स्वाद है, ओ मानो चोग है जो सानू फसाउंदी है पंछी वांगू, अंदरों सुभाव माड़े पासे वल रुचि कराउंदा है, बाहरों रसदायक भोग अपने विच खिचदे हन, इउं जीव फसदा जांदा है, मन मनूर आउंदा जांदा है, अर्थात उच्चे रसां वलों मरदा जांदा है, ते नीवे रसां विच जो पाप कर्मां विच आउंदा है अशक्त आउंदा जांदा है, इस दे मुड़ जीवन दी आस नहीं रहिंदी, क्योंकि नीवे रसां विच मन खचत हो जावे तां साईं याद नहीं आ सकदा, ते विसारे विच जो कोई शुभ गुण पले हुंदे हन उह सहायता नहीं कर सकदे, उह पापां रूपी कोलियां दे सेक नाल गलण लग जांदे हन। सो फाथे पंछी दे छुटण जां मनूर होए मन रूपी लोहे दे फिर जीव पैण दा दारू निरे शुभ कर्म नहीं हन, उह तां गलदे जाणगे पापां दे मगरे कोलियां दे सेक नाल। हां, मनूर दे जीव उठण दा, जीव के लोहे तो सोना हो जाण दा इक्को तरीका है कि सच्चा सतगुरु नाम रूपी अमृत दा छट्टा मारे। नाम दे त्रोके नाल मन साईं दी याद विच आउंदा है, साईं दी याद साईं नाल मेल है, पापां ते नीवे रसां ने साडे ते उस दे विच भुल दा पर्दा ताण दित्ता सी,
ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਵਿਥ ਨਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾ ਬਲ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਸਤਿਆ ਦੀ ਛੋਹ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਰਦਿਆਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਮੋਇਆ ਮਨ ਜੀਉ ਪਏਗਾ, ਜੀਉ ਕੇ ਉੱਚੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਦਾ ਰੌਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਢੱਠਾ, ਦਾਤਾ 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 ਰੱਖ ਲੈ ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਸੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਰ ਕੰਢੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਜੀਵ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦਗਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗੰਧ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।